यह त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का जो कि ऑलमोस्ट जलमग्न है। ये वाली घाट में धारा देख रहे हैं, स्नान करना यहाँ पे मुश्किल है। हरी घाटों में आपको पुलिस वाले तैनात मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जो बड़े बड़े लकड़ी गोले हैं ये जल पे बह के आए हैं। देख रहे हैं आज तो और भी ज़्यादा जल बढ़ चुका है देख रहे हैं। और टिहरी डैम का अगर हम बात करें तो उनकी कैपेसिटी है 830 मीटर और 827 मीटर जल ऑलरेडी हो चुका है। इसी कारण यहाँ पे जल का इस तरह का बढ़ना दिखाई दे रहा है और जल छोड़ दिया गया टिहरी डैम से। इसी कारण यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग घर जल पे जाके स्नान कर रहे हैं और जहाँ होगा लगभग 200 मीटर लगभग चौड़ी होगी, उससे भी ज़्यादा ही होगी, पूरी जल है। और यहाँ पे आप देखेंगे रेत है, मतलब जल की धारा और भी ज़्यादा तेज थी, अभी थोड़ा कम हो चुकी है क्योंकि आज वहाँ पे हमें लास्ट वीडियो में वहाँ पे गए थे हम लोग, ऐसे सूखा था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जल पहुँच चुका है और वहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल है। तो ऐसा गहरे जल पे जाके स्नान न करें जो घाट ऑलमोस्ट डूबा हो। देख रहे हैं अब आरती ऊपर होगा, आरती नीचे भी नहीं होगा क्योंकि क्या है वहाँ पे पूरा जल है। अभी आप देख रहे हैं चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी है और संध्या का समय है, अभी 4 बजे हैं, इसकी वजह से भीड़ ज़्यादा है। और गणपति पप्पा हमारे विराजमान है अभी और यहाँ पे पुलिस तैनात है। घाट में पूरी तरह से प्रवेश वर्जित है। अब आरती कहाँ पे होगी अभी हम देखते हैं। आरती यहाँ पे होगा, ऊपर पे आरती होगी, देख रहे हैं सफाई हो चुका है आरती के लिए, ये ऊपर में आरती होगा क्योंकि नीचे तो पूरे जल है। देख रहे हैं किस तरह से जल आगे है और उधर लोग स्नान कर रहे हैं जाके। अभी हम पहले आपको त्रिवेणी घाट दिखाते हैं, फिर आपको हम जानकी सेतु और राम झूला लक्ष्मण झूला लेके जाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। अब बारिश हल्की हल्की से शुरू हो रही है। देख रहे हैं किस तरह से जल की धारा तेज है। ये है त्रिवेणी घाट का प्रवेश द्वार, इधर से आप प्रवेश करेंगे और ये एरिया है त्रिवेणी घाट का। यहाँ पे अभी गणेश जी विराजमान है और ये आरती स्थान है जहाँ पे आरती होती है। आज तो पुलिस वाले भी खड़े हुए वहाँ पे क्योंकि डर बना होता है कि थोड़ा सा भी पैर पे अगर फिसल जाए तो फिर गहरे जल पे चले जाएंगे क्योंकि जल की धारा बहुत ज्यादा तेज है। जैसे कि हमने आपको बता दिया था टिहरी डैम का जो हाल है, टिहरी डैम का जो सीमा है 830 का सीमा है लीटर का और वो ऑलमोस्ट 827 हो चुका है। तो चलते हैं अभी, अब हम जानकी सेतु दिखाते हैं। जानकी सेतु की दूरी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर की सफ़र हम अपनी व्हीकल से करेंगे, ऐसे ऑटो से करेंगे तो 10 रुपये किराया ऑटो वाला लेता है। लगभग 200-300 मीटर की चौड़ाई होगी, ये पूरी तेज है। अब लहरें तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितनी लहरें बना रही है, लहरें देख रहे हैं कितनी है और ये वाली घाट तो डूबा हुआ है। आगे अभी दिखाते हैं जानकी सेतु का दृश्य क्या हाल है वहाँ पे। ये है त्रिवेणी घाट का पार्किंग जो कि 8 बजे तक ही रहता है, बाकी समय फ्री हो जाता है। ये हम आ चुके हैं बिल्कुल जानकी सेतु के सामने, सामने देख रहे हैं माँ गंगा की तेज लहरें हैं और जो कि चौड़ाई आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 200 मीटर लगभग चौड़ी होगी, उससे भी ज़्यादा ही होगी, पूरी जल है। और यहाँ पे आप देखेंगे रेत है, मतलब जल की धारा और भी ज़्यादा तेज थी, अभी थोड़ा कम हो चुकी है क्योंकि आज बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश होती तो फिर पता नहीं कितना तेज होता जल की धारा। देख रहे हैं ऊपर पहाड़ों से धुआं निकल रहा है, हल्की हल्की से बारिश तो हुई, ज़्यादा तेज बारिश नहीं हुई है। अभी हम जाएंगे राम झूला ये है, देख रहे हैं राम झूला यहाँ से लगभग अगर हम जाएंगे इस किनारे से तो लगभग हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और आरती के समय जाएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे, चलना ही पड़ेगा। अगर बाइक से भी जाएंगे आपकी बाइक पहले ही रोक दिया जाएगा। चलते हैं इस वाले ब्रिज में क्योंकि लोग देख रहे हैं काफ़ी भीड़ हो रखा है इस ब्रिज में। इसमें चलने वाले बीच में है लेकिन लोग सारे में चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं स्पेशल लिखा हुआ है बाइक वालों के लिए, पैदल चलने वाले के लिए नो एंट्री नो एग्जिट सर लिखा हुआ है, लेकिन चलो
अभी आप देख रहे हैं जानकी सेतु के पास जो पार्किंग है, ये तो खैर इनका अलग पार्किंग है जो इनका राफ्टिंग वगैरह होता है उनकी गाड़ी है और यहाँ के लोकल वालों की गाड़ी है, और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी पार्किंग उधर है। देख रहे हैं वहाँ पे आप गाड़ी को पार्किंग करके यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जानकी सेतु के पास आप रुकना चाह रहे हैं, राम झूला के पास भी है, अगर आप इधर से जाएंगे तो जहाँ राम झूला के पास भी है। चलते हैं नीचे, नीचे का दृश्य दिखाते हैं। ये हम ब्रिज को क्रॉस करके आ चुके हैं वनप्रस्थ आश्रम के गंगा घाट पे। देख रहे हैं ये वनप्रस्थ आश्रम है, ये पहला आश्रम है। अगर इधर से आप आते हैं तो आगे आपको गीता भवन, परमार्थ निकेतन और भी बड़े चार आश्रम मिलेंगे। देख रहे हैं ये वाली घाट में धारा, देख रहे हैं स्नान करना यहाँ पे मुश्किल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्नान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं लहरें, देख रहे हैं आप किस तरह से ये राउंड घुमा रहा है। ये हरिद्वार में स्नान करना काफी सही है, सेफ है ऋषिकेश की तुलना में। अब गंगा जी की आरती का समय हो रहा है तो फिर सारे लोग अब आरती के लिए एकत्रित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ होगा वो होगा परमार्थ निकेतन पे, अभी हम आपको लेके चलेंगे वहां का भी दृश्य दिखाएंगे। हरी घाटों में आपको पुलिस वाले तैनात मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोगों को समझाना जरूरी होता है। यहाँ की आरती काफी फेमस होता है, देख रहे हैं भीड़ श्रद्धालुओं की, इधर भी पूजा पाठ के लिए बैठे हुए। ये हम आ चुके हैं गीता भवन के सामने, हरी आश्रम पे अपना घाट है। हल्की फुल्की से बारिश यहाँ हो रखा है, देखे हल्की हल्की से बारिश हो रखी है अभी, और इनके पर्सनल घाट में अभी आरती होनी है गंगा जी से। देख रहे धुआं किस तरह से निकल रहा है। अब आगे एक आश्रम और पड़ेगा स्वर्ग आश्रम, जहाँ पे 400-500 से आपको रूम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं आश्रम का दृश्य दिखाएंगे भी बाहर से, फिर रामझूला जाएंगे। ये हम आ चुके हैं स्वर्ग आश्रम के सामने, अंदर भजन चल रहा है, तो आप अगर अभी आ रहे हैं तो भजन आप कर सकते हैं। देख रहे हैं ये सबसे सस्ता आश्रम है, और ये है उनका घाट, और घाट में आप देख रहे हैं काफी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, अभी आरती होगी। लाइटिंग वगैरह काफी अच्छा लगा रखा है इन्होंने। ये हम फाइनली आ चुके हैं रामझूला में, ऋषिकेश का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है ये। अब लाइटिंग भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, लाइटिंग शुरू हो, लाइटिंग होने के बाद काफी अच्छा दृश्य दिखाई देता है। देख रहे हैं यहाँ से अभी गंगा जी के दर्शन आप कराएंगे, एकदम रौद्र रूप है माँ गंगा की अभी। देख रहे वोटिंग बंद है, बोटिंग भी बंद है, और अभी राफ्टिंग भी बंद है। राफ्टिंग का सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे सितंबर में स्टार्ट हो जाता है बोटिंग और राफ्टिंग दोनों ही। देख रहे हैं क्या सुंदर नजारे हैं, देख रहे हैं उधर भी एक मार्केट है और उधर पार्किंग भी है, अगर आप इधर से आना चाह रहे हैं तो इधर से भी आ सकते हैं, और इधर कोई पार्किंग नहीं है, और इधर जो पार्किंग है वो सीधा आपको जानकी सेतु यानी 2 किलोमीटर पहले ही मिलेगा। इधर ही 4 बड़े आश्रम मिलेंगे, इधर कोई आश्रम अभी है नहीं, जो भी है वो आपको पेड में मिलेगा, इधर निःशुल्क भी है। संजय के समय काफी भीड़ होता है ब्रिज पे, बीच में केवल पैदल लोग ही चलते हैं,
पहले तो बाइक वाले भी चलते थे, लेकिन अब बाइक को बंद कर दिया गया काफ़ी दिनों से। जब लक्ष्मण झूला कमज़ोर हुआ तो इस ब्रिज को भी सर्वे किया गया था, तो इस ब्रिज में भी थोड़ा तो कमजोरी पाई गई, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित है। यह है भूतनाथ टेम्पल, जो कि जानू क्षेत्र के ऊपर का मंदिर दिखाई देता है, वो यही मंदिर है। अब यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे कार खड़ा है वो पार्किंग है, नीलकंठ महादेव के लिए जो सोमू जाता है वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से आपको मात्र 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। फाइनली आपने पूरे लगभग हरिद्वार से ऋषिकेश की पूरी वीडियो देखी होगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।